चंगेज खान जिसे चिंगेज खान के नाम से भी जाना जाता है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक और पहला खान था। अपना अधिकांश जीवन मंगोल जनजातियों को एकजुट करने में बिताने के बाद उसने चीन और मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त करते हुए सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। 1155 और 1167 के बीच जन्मे और नाम दिया गया तैमुजिन, वह बोरजगिन कबीले के एक मंगोल सरदार येसुगिल और उसकी पत्नी होयलुन की सबसे बड़ी संतान थे। जब तैमुजिन 8 साल का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके परिवार को उसके कबीले ने त्याग दिया। गरीबी के करीब पहुंच चुके तैमुजिन ने अपने पारिवारिक पद को सुरक्षित करने के लिए अपने बड़े सौतेले भाई को मार डाला। उनके करिश्माई व्यक्तित्व ने उनके पहले अनुयायियों को आकर्षित करने और जमुखा और तोगरुल नामक दो प्रमुख स्टेपी नेताओं के साथ गठबंधन बनाने में मदद की। उन्होंने तैमुजिन की नवविवाहित पत्नी बोटे को वापस पाने के लिए साथ मिलकर काम किया, जिसे हमलावरों ने अगवा कर लिया था। जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, जमुखा के साथ उसके रिश्ते खुले युद्ध में बिगड़ गए। 1196 में फिर से उभरने के बाद उसने तेजी से शक्ति हासिल करना शुरू कर दिया। तोगरुल ने तैमुजिन को एक खतरा माना और 1203 में उस पर अचानक हमला कर दिया। तैमुजिन पीछे हट गया, फिर से संगठित हुआ और तोगरुल को परास्त कर दिया। न्यामन जनजाति को हराने और जमुखा को मारने के बाद वह मंगोलियन स्टेपी पर एकमात्र शासक के रूप में रह गया। तैमुजिन ने 1206 में एक सभा में औपचारिक रूप से चंगेज खान की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ निश्चित है। दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए सुधारों को लागू करते हुए उन्होंने मंगोलों की जनजातीय संरचना को एक एकीकृत योग्यता तंत्र में बदल दिया, जो शासक परिवार की सेवा के लिए समर्पित था। एक शक्तिशाली जादूगर के तख्तापलट के प्रयास को विफल करने के बाद चंगेज ने अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। 1209 में उन्होंने पड़ोसी पश्चिमी ज़िया में बड़े पैमाने पर छापेमारी की, जो अगले वर्ष मंगोल शर्तों पर सहमत हो गए। इसके बाद उन्होंने जिन राजवंश के खिलाफ एक अभियान शुरू किया, जो 4 साल तक चला और 1215 में जिनकी राजधानी झोंगदू पर कब्जे के साथ समाप्त हुआ। उनके जनरल जेवे ने 1218 में मध्य एशियाई राज्य कारा खिताई पर कब्जा कर लिया। अभियान ने क्वार्ज़मियन राज्य को उखाड़ फेंका और ट्रांसोक्सियाना और खुरासान के क्षेत्रों को तबाह कर दिया, जबकि जेवे और उनके सहयोगी सुबुताई ने एक अभियान का नेतृत्व किया जो जॉर्जिया और कीवन रस तक पहुँच गया। 1227 में विद्रोही पश्चिमी ज़िया को वश में करने के दौरान चंगेज की मृत्यु हो गई। 2 साल के अंतराल के बाद उनके तीसरे बेटे और वारिस उगेदेही ने 1229 में सिंहासन ग्रहण किया। चंगेज खान एक विवादास्पद व्यक्ति बना हुआ है। वह अपने अनुयायियों के प्रति उदार और बेहद वफादार था, लेकिन अपने दुश्मनों के प्रति निर्दयी था। उसने विश्व वर्चस्व की अपनी खोज में विभिन्न स्रोतों से सलाह का स्वागत किया, जिसके लिए वह मानता था कि शैमानिक सर्वोच्च देवता टेंगरी ने उसे नियुक्त किया था। चंगेज के नेतृत्व में मंगोल सेना ने लाखों लोगों को मार डाला, फिर भी उसकी विजयों ने एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में अभूतपूर्व वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सुगम बनाया। उसे रूस और अरब दुनिया में एक पिछड़े बर्बर तानाशाह के रूप में याद किया जाता है, जबकि हाल ही में पश्चिमी विद्वानों ने उसे एक बर्बर सरदार के रूप में अपने पिछले दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है। मंगोलिया में उसे मरणोपरांत देवता माना गया। आधुनिक मंगोलियन उसे अपने राष्ट्र के संस्थापक पिता के रूप में पहचानते हैं। मंगोलियन के लिए कोई सार्वभौमिक रोमनीकरण प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है, परिणाम स्वरूप मंगोलियन नामों की आधुनिक वर्तनी बहुत भिन्न होती है और मूल से काफी भिन्न उच्चारण हो सकते हैं। एक चंगेज के रूप में सबसे अधिक प्रस्तुत किया जाने वाला सम्मान अंततः मंगोलियन से निकला है, जिसे संजस के रूप में रोमनीकृत किया जा सकता है। इसे चीनी में चेंग जीसी चेंग जीसी के रूप में और फारसी में सेंजीस के रूप में रूपांतरित किया गया था। चूंकि अरबी में टी जैसी ध्वनि का अभाव है, जिसे मंगोलियन और फारसी रोमनीकरण में से द्वारा दर्शाया गया है, लेखकों ने नाम को चेंगीज के रूप में लिखा, जबकि सिरहिक लेखकों ने सिंगीज का उपयोग किया। 18वीं शताब्दी के दौरान फारसी स्रोतों की गलत व्याख्या के आधार पर अंग्रेजी में पेश किए गए चंगेज